होम थिएटर में ये होल क्यों होता है? मिट्टी के मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है? क्या ज्यादा पानी पीने या ज्यादा खाना खाने से पेट फट सकता है? और क्यों इस कुत्ते को हुंडई का सेल्समैन बना दिया गया? जानने के लिए देखते रहिए वीडियो एंड तक। नंबर 22, क्या आपको पता है इंडिया के पास दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जिसका नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस है। यह स्टार्ट हुई थी 16 जुलाई 1991 को। वहां में गंभीर से गंभीर बीमारियों की इलाज की व्यवस्था है। इसमें हर तरह की सुविधा भी पाई जाती है। नंबर 21, पंजाब में एक गांव है जहां अगर आप जाओगे तो आपको सब घरों के ऊपर कुछ ना कुछ अजीबोगरीब देखने को मिलेगा, जैसे ये जहाज, ये ट्रैक्टर। आखिर क्यों इस गांव के लोग घरों के ऊपर गाड़ियां रख रहे हैं? दरअसल ये जो घरों के ऊपर ये सब टंकी है। इस गांव का नाम उपला गांव है। अगर आपको किसी के छत पर आर्मी का टैंक दिख जाए तो समझिएगा कि उस घर से कोई ना कोई सदस्य आर्मी में है। अगर किसी के छत पर प्लेन है तो उस घर के लोग NRI है। वहाँ के ज्यादा लोग पैसे कमाने के लिए विदेश में बस गए हैं। नंबर 20, आपका दिल शरीर से अलग होने पर भी तब तक धड़कता रहेगा जब तक उसे अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे। इसी का फायदा उठाकर कुछ डॉक्टर मरने के बाद भी पेशेंट का दिल धड़काते रहते हैं। नंबर 19, अगर आप पाइनएप्पल का एक टुकड़ा मुंह में रखोगे तो ये आपको ही खाना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रोटीन होता है जो मांस को घटाता है। नंबर 18, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बंदा पूरी दुनिया में है ही नहीं तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? ये इंसान पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब एकदम ऐसा दिखने वाला कोई इस दुनिया में होगा ही नहीं। अगर आप गूगल में सर्च करोगे person does not exist.com, आपको ऐसे हजारों इमेजेस देखेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो खुद ब खुद AI जेनरेट करते हैं। नंबर 17, क्या आप जानते हो कि iPhone 8 के बाद iPhone 10 क्यों आया, 9 क्यों नहीं? क्योंकि जिस साल iPhone 9 आने वाला था उस साल iPhone वालों की 10th एनिवर्सरी थी, यानी कि उस साल से 10 साल पहले iPhone लॉन्च हुआ था और वो अपने फ़ोन का नाम अपने एनिवर्सरी पर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने iPhone 8 के बाद iPhone 10 लॉन्च कर दिया। नंबर 16, तो गाइस आपने तो बहुत इमोजी देखे ही होंगे और बहुत यूज भी किया होगा और बहुत इमोजी का मतलब भी पता होगा। क्या आपको पता है ब्लू हर्ट का मतलब क्या है? अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो और आपको शो करना है तो आप ब्लू हर्ट दे सकते हो। बेसिकली ये ट्रस्ट शो करने के काम आता है। नंबर 15, मिट्टी के मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि मिट्टी का मटका मटले से बनाया जाता है जहाँ छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन होल्स से मटके का पानी बाहर आता है और हीट से पानी इवापोरेट होकर उड़ जाता है और मटके के अंदर जो हीट होती है वो सोख लेती है, जिससे अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। नंबर 14, आप तो ट्विटर ऐप चलाते ही होंगे। कभी नोटिस किया है ट्विटर ऐप में ये जो पंछी है वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। पंछी का नाम लेरी है और वो कुछ ऐसी दिखती है। दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज है। नंबर 13, एक महिला है जिसको ग्रीन कलर इतना ज्यादा पसंद है कि उन्होंने अपने बालों से लेकर घर की हर एक चीजों को ग्रीन कलर की करवा रखी है। इनका नाम एलिजाबेथ जानेमन ब्रुकलिन है, जिसे लोग कैरोलिन गार्डन की ग्रीन लेडी के नाम से भी पुकारते हैं। वे जो चश्मा पहनती है वो भी ग्रीन, उनका मेकअप भी ग्रीन, यहाँ तक कि उनके पासपोर्ट में सिग्नेचर भी ग्रीन इंक से लिखा हुआ है। उनका मानना है कि हरा रंग उनके लिए पॉजिटिव रंग है। नंबर 12, अगर आप इंग्लिश में नंबर के वर्ड लिखना शुरू करते हो तो 1 बिलियन तक पहुंचने से पहले आपको कहीं भी बी लेटर नहीं मिलेगा। नंबर 11, टक्सन एक स्ट्रीट डॉग था जो अक्सर ब्राजील के हुंडई कार शोरूम के आसपास घूमता रहता था। वही के कर्मचारी उसे हमेशा कुछ खाने देते और उसके साथ खेलते थे। धीरे धीरे कर्मचारी कुत्ते के इतने अच्छे दोस्त बन गए कि उन्होंने उसे अपने शोरूम में शामिल कर लिया और सामान्य कर्मचारी बना दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि उसे उसका एक ID कार्ड भी दिया गया। क्या बात है। नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि कोलकाता में पुलिस सफ़ेद वर्दी क्यों पहनते हैं? चलिए जानते हैं। कोलकाता पुलिस का शुरुआत 1845 में हुआ था। आज़ादी के बाद अंग्रेज चले गए लेकिन कोलकाता पुलिस पर निशानी छोड़ गए। खाकी वर्दी और सफ़ेद वर्दी अंग्रेज के समय से चली आ रही है। ब्रिटिश राज में जब पुलिस का गठन हुआ था उनकी पुलिस सफ़ेद कलर की वर्दी पहना करती थी, लेकिन ज़्यादा ड्यूटी करने के दौरान वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी। इस कारण पुलिस कर्मियों ने वर्दी को जल्दी गंदी होने से बचाने के लिए अलग अलग रंगों से रंगना शुरू कर दिया। अलग अलग रंग लगाने की वजह
से जवानों की यूनिफॉर्म अलग अलग रंग की दिखने लगती थी, जिस वजह से ये पहचान पाना मुश्किल हो जाता था कि वो शख्स पुलिस का ही जवान है या नहीं। इस समस्या को दूर करने के लिए अंग्रेज अफसरों ने खाकी रंग की वर्दी पहनाई ताकि वो जल्दी गंदी ना हो। तब से ये खाकी भारतीय पुलिस की वर्दी पहनी गई है जो अब तक चली आ रही है। पश्चिम बंगाल में खाकी वर्दी पहनते हैं, लेकिन वहाँ की कोलकाता पुलिस अभी भी सफेद कलर की वर्दी पहनती है। दरअसल समुद्र के करीब होने से वहाँ काफी गर्मी और नमी पड़ती है, इस कारण से अंग्रेज ने सफेद वर्दी को ही चुना ताकि उनके यूनिफॉर्म से रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाए और उन्हें ज्यादा गर्मी ना लगे। नंबर 9, आपने तो च्युइंगम खाया ही होगा और दांत के लिए अच्छा भी होता है और आपने कभी निगला भी होगा, पर अभी से निगलना बंद कर दो क्योंकि एक च्युइंगम को पचाने में 7 साल का समय लगता है। नंबर 8, आइए मिलते हैं इस लड़के से जो हजारों वोल्ट का करंट भी झेल सकता है। ये रहते हैं हरियाणा के सोनीपत में। इनका नाम दीपक जंगारा है। दीपक के शरीर पर सिर्फ घरों के सप्लाई होने वाला 240 वोल्ट का करंट ही बेअसर नहीं है, बल्कि 11,000 वोल्ट का करंट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में एक गांव का नाम पाकिस्तान है और पाकिस्तान में भी एक गांव का नाम बिहार है। माइंड ब्लोइंग। नंबर 6, वैज्ञानिकों को एक रहस्यमय ग्रह मिला है जो पूरी तरह से हीरे से बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को 55 केंकरी ई नाम दिया है। इस ग्रह का पृथ्वी के वजन का लगभग 8.63 और इसका आकार पृथ्वी के आकार का 2 गुना है। नंबर 5, आपको तो पता ही होगा चाइना अपने डुप्लीकेट चीजों के लिए जाना जाता है और उन्होंने एक और कमाल कर डाला है, वो है ये आईफिल टावर। वहाँ के लोगों को बड़ी बड़ी इमारतें देखने के लिए वर्ल्ड टूर करने के लिए नहीं जाना पड़ता है क्योंकि इस देश में पर्सनल आईफिल टावर है। ये मौजूद है चाइना के होंजू में। पेरिस आईफिल टावर का हाइट है 164.6 मीटर और वही चाइनीज आईफिल टावर का हाइट है 80 मीटर। नंबर 4, साइकोलॉजी के हिसाब से आप जितना ज्यादा अपने शरीर को आराम दोगे वो उतना ज्यादा आराम करने को कहेगा और जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा काम करने को कहेगा, ये एक फैक्ट है। नंबर 3, आपने कभी सोचा है बर्थडे केक काटने से पहले मोमबत्ती क्यों बुझाते हैं? ये परंपरा भारत की तो बिल्कुल नहीं है, ये पश्चिमी देशों से आया है जो आज भारत में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि ग्रीस से मोमबत्ती बुझाने का परंपरा शुरू हुआ था। प्राचीन काल में वहाँ केक के ऊपर जलती हुई मोमबत्ती लेकर पूजा करने जाते थे और जलती हुई मोमबत्ती से ग्रीक भगवान का साइन बनाते थे, फिर मोमबत्तियों को बुझाते थे। इनका ऐसा विश्वास था कि मोमबत्ती का उड़ता हुआ धुआं सीधे भगवान के पास जाता है। ऐसे ही पूरी दुनिया में केक काटते समय मोमबत्ती बुझाते हैं। नंबर 2, अगर आप सोचते हो कि ज्यादा खाना खाने या ज्यादा पानी पीने से हमारा पेट फट सकता है तो आप गलत हो, क्योंकि अगर आप ज्यादा खाना खाने की कोशिश करो तो थोड़ी देर खाने के बाद आपको खाने का मन नहीं होगा। अगर आप जबरदस्ती खाओगे तो मुंह से निकल जाएगा, मतलब उल्टी हो जाएगी। नंबर 1, होम थिएटर में ये होल क्यों होता है? बेसिकली ये होल एयर अंदर बाहर होने के लिए होता है। जब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्पीकर वाइब्रेट करता है फ्रीक्वेंसी लेने के बाद, जब ये स्पीकर साउंड को जेनरेट करता है, स्पीकर का जो कोन होता है सामने के एयर मॉलिक्यूल को प्रेशराइज करता है जिससे अलग अलग फ्रीक्वेंसी जेनरेट होती है और इस कारण ये हम साउंड को सुन पाते हैं। अगर ये होल ना हो तो जो स्पीकर का कोन मूव होता है आगे और पीछे एयर को ढकेलने के लिए, क्या होगा कि जो एयर स्पीकर के पीछे होती है वहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं होगा और पुशअप होने के लिए एयर की जरूरत होती है। अगर एयर ना हो तो स्पीकर साउंड अच्छे से जेनरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए होम थिएटर में ये होल होता है ताकि अंदर हवा रहे और स्पीकर अच्छे से साउंड जेनरेट कर पाए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर ये चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।